नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्ट साला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं आपको मोटिवेशन के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी उम्मीद खो रहे हैं, वो होपलेस हो रहे हैं, वो निराश होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं टेंशन ले रहे हैं कि सर हमें तो एडमिशन मिलेगा नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, प्लीज बताओ हम क्या करें। अब इस टाइप के जब कॉल मैसेज आने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है कि भाई आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी जिससे कि आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ, कम से कम अपने आप को संभाले रखो। एक बात जो आपको सबसे पहले जानना है, आपके साथ गलत हुआ है और ये लगभग 10 से 12 लाख लोग डायरेक्टली जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पेपर में लापरवाही हुआ, आपके सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, आपके सेंटर जो है वो अचानक से चेंज किए गए, आपके एडमिट कार्ड ठीक से चेंज हमेशा चेंज किए गए, उसके बाद आपके आंसर की में गड़बड़ी हुई, आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट में नॉर्मलाइजेशन और एब्सोल्यूट मार्क्स इन सब चीजों को लेके गलती हुई, तो ये चीजें आपके साथ पढ़ने वाले लगभग 10 से 12 लाख लोग बहुत ही आराम से जानते हैं। आपका घर परिवार जानता है, आपका रिश्तेदार जानता है, आपके दोस्त यार मित्र जानते हैं, आपका पास पड़ोसी, आपका बैचमेट, हर कोई जानता है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है ये बात हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता ये जानना है तो वो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी शिक्षा व्यवस्था। आपकी समस्या जो है वो हर किसी को दिखा, हमें दिखा, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखा, लेकिन हमारे देश के शिक्षा विभाग को ये समस्या नहीं दिखा। मैं आपको उस दरमियान भी वीडियो देता था जिसमें बार बार बताता था कि किस तरीके से CUET NTA के नाम पे बच्चों का जीवन बर्बाद किया गया और कंटिन्यूस बर्बाद किया जा रहा है, आज भी वो चीजें कंटिन्यूस है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप तो CUET के एस्पायरेंट हो, आपके जो बड़े भैया लोग हैं जो UGC नेट एक होता है जो रिसर्च के लिए दिया जाता है एग्जाम, उसमें पेपर लीक हो गया और आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग देखो, उन बच्चों का कहना है कि जहां जहां सेंटर्स डाले गए उन सेंटर्स पर उनके सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं कर रहे। आज विंडोज का अपडेट वर्जन है 11, 10, कौन कौन से वर्जन आ गए, इनके सिस्टम आज भी स्लो काम करते हैं, पता नहीं कौन सी नेटवर्किंग व्यवस्था इन्होंने ले रखी है। बस पैसे कमाने का इनका एक व्यवसाय है जिसमें शिक्षा व्यवस्था को ये लोग गिरा रहे हैं, बेच रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल लोअर क्लास फैमिली का हो रहा है। बाकी पैसे वाले लोग तो अपने घर के बच्चों को पढ़ा लेंगे ना विदेशों में भेज के, और ये खुद अपने बच्चों को अपने देश में नहीं पढ़ाते, ये लोग खुद अपने बच्चों को भेजते हैं विदेश में पढ़ने के लिए। और जब अपने देश के शिक्षा विभाग की बात आती है, जब अपने देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने की बात आती है तो ये लोग इसी तरीके से करते हैं। ये लोग इतना तक नहीं हो पा रहा है कि हाँ ठीक से कोई एग्जाम करा ले। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा लापरवाही है। मैं हमेशा सोचता हूं जब कभी पीसफुली बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट को दो जगहों पे हमेशा फोकस करना चाहिए, एक है फार्मर, दूसरा है किसान, क्योंकि फार्मर आपको खाने को देगा, शिक्षा जो देश के विकास में आपको अपना दिमाग लगा के आगे ले जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो साला दुनिया के हर चीज में दिमाग लगाएगा, कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ हमें बेसिक चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें लगता है कि बस 14 साल के बच्चों को फ्री पढ़ा लेंगे। भाई 14 साल तक के बच्चों को फ्री पढ़ाओगे, किस लेवल में पढ़ा रहे हो उन्हें? प्राइमरी स्कूल की ये स्थिति कर रखी है, कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता वहां पढ़ने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस इतनी हाई है कि लोगों का हालत खराब हो जाएगा। 10,000 रुपए मंथली यहाँ के जो अच्छे जो खुद नामी है वो स्कूल की फीस है। तो ऐसे में एजुकेशन फ्री होना चाहिए था, एजुकेशन की तो ये लोग लेके रखे हुए एकदम, किसी तरीके से कोई एजुकेशन है हमारे देश में? हम तो अपने लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लेवल पे इतनी सारी कमियां हमें देखने को मिलती है। आप आगे यूनिवर्सिटी का भी देखो कि क्या हाल होता है, बस NIRF की रैंकिंग निकालने से आपको आपको समझ में आता है कि देश में क्या चल रहे हैं। NIRF रैंकिंग डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटी की क्वालिटीज क्या है। बस आप बात करते हो किस चीज की, जो दिखता है, लेकिन जो उसके अंदर है उसकी बात कौन करेगा? अभी लिस्ट आई है पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की जिसमें हमारे यहां BHU तो 600 से 700 के बीच में है, ऐसा कोई डेटा है, यानी 500 से ज्यादा है, और हमारे देश की शायद 300 के बाद कोई रैंकिंग लगना शुरू हुई है, जबकि हमारे देश में सबसे पहला कॉलेज हुआ करता था। हमारे देश में आज भी सबसे सबसे बड़ी रेजिडेंशियल स्कूल है BHU, लेकिन BHU को क्या बना के रखा गया आपको पता होना चाहिए। तो भाई आप निराश मत हो, यहां निराश हर कोई है, आप आपके बड़े भाई, आपके जैसे लोग, आपसे छोटे दोस्त, हर कोई निराश है, क्योंकि यहां पे गलतियां पिछले कई सालों से हो रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है, 19 का प्रपोजल है, अभी तक उसका कहीं पता नहीं चला है। तो लापरवाही आपके साथ बस आपके लेवल पे नहीं हो रही है, वो हर एक लेवल पे हो रही है, और इन गधे लोगों को भगवान
था सद्बुद्धि दे, इनकी दिमाग की बत्ती खोले, इनकी आंख के मानस पटल को खोले और इनको नजर आए कि हाँ ये छात्र ही हैं जो देश का विकास कर सकते हैं। अगर देश का विकास इन्हें नहीं नजर आ रहा है, इन्हें लगता है कि हाँ देश का विकास कुछ और चीजों में है, तो ये समझ लेना इनकी बर्बादी है, कुछ समय बाद हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि उम्मीद आप मत खो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना समझ लो कि जो चीजें हो रही हैं वो बस किसी तरीके से हमें अब सह लेना है। ये हर किसी के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, बाजू में जो और घर है उस घर में जो एक छात्र बैठा हुआ है उसके साथ भी हो रहा है। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो बैठ जाओ, बस ये समझ लेना कि वो सही समय नहीं आया है। एक समय आएगा जब हम लोग दौड़ा दौड़ा के इनको मारेंगे तब इन्हें समझ में आएगा, या फिर आप इतना मेहनत करो कि आप उस सिस्टम पे बैठो और आप सुधार लाना। आप जहां जहां गलतियां देख रहे हो आप बैठो, आप जाओ सेक्रेटरी के पोस्ट पे, यूजीसी नेट के, आप जाओ नेट एनटीए सीयूटी के पोस्ट पे और वहां जाके आप संभालना, क्योंकि ये जो गधे लोग हैं इनका दिमाग में काई लगा हुआ है, इनके दिमाग कई दिनों से काम नहीं किए हुए हैं, इंफेक्टेड माइंड्स है, ये ठीक से कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना ही काम कर सकते हैं। अभी हाल का मैं बता रहा हूं, अभी ये लोग यूजीसी नेट का पेपर करा रहे हैं जो कि पेपर यही कराती है, ये एनटीए कराती है। इन्हें मुझे तो नहीं समझ में आता है कि देश में बस एनटीए ही एक एजेंसी है, बाकी एजेंसी क्या कर रही है भाई, आप उनको क्यों नहीं देते पेपर कराने के लिए। ये नालायक इतने ज्यादा लापरवाही कर चुका है यार, एकदम बर्बाद करके रख दिया कितने सारे बच्चों को। अभी हम लोग जो पेपर यूजीसी नेट में एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें इन्होंने पेपर लीक की बात आई, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस कोर्स की बात आ रही है। मतलब जब आपकी पोटेंशियल नहीं है पेपर कराने का तो क्यों आप ले रहे हो पेपर कराने के लिए? जरूरी है कि पूरे 50 लाख बच्चों का आप पेपर आप ही कराओगे? अरे 5-5 लाख 10-10 लाख करके और एजेंसी आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हो? छोटा परिवार खुशी परिवार जब आपसे नहीं संभाल रहा है फिर भी आप ही क्यों करोगे? बहरहाल अब आपको मैं समस्या का समाधान बता रहा हूं, 3-4 पॉइंट अगर दिमाग में रखोगे तो कम से कम टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। उसका पहला कारण समझो, अगर कोई यूनिवर्सिटी पहली लिस्ट निकालती है यानी सबसे पहले जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो वहां पे मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं कोई सिंगल ऐसा लड़का नहीं है जो बोल रहा है कि सर हम बस एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किए हैं, मल्टी रजिस्ट्रेशन इन मल्टी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो बस एक यूनिवर्सिटी में है। आपके जैसे आप खुद सोचो, जो इस वीडियो को देख रहा है उसके आप खुद सोचो कि आपने कितने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है। तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन मिलेगा, जो मीडियम मार्क्स में बच्चे हैं वो उनको एडमिशन मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना दोस्त, मैं यही कह सकता हूं यार, मैं आपके साथ कैसे खड़ा रहूं आप बताओ। तो मैं जहां तक फ्यूचर देख पा रहा हूं वो यही मैं देख पा रहा हूं कि उम्मीद मत खोना, मोटिवेटेड रहना, स्माइल करना, ठीक है, वो सबके साथ हो रहा है। ये ध्यान देना कि हर एक बच्चा मल्टी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो किसी यूनिवर्सिटी की मेरिट हाई जाएगी, किसी का लो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक बार भागेगा उधर फिर पता चला कि उधर सीट फुल हो गई है, अब बच्चे इधर कम मेरिट पे आएंगे तो ठीक है अब इनका खोलो, इधर बच्चे कम मेरिट पे जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। सपोज एग्जांपल, आज ठीक है बीएचयू सबकी प्रायोरिटी है ना, बीएचयू सबको प्रायोरिटी है, ठीक है, अगर बीएचयू भर जाता है तो ऐसे में आपको दूसरे जगह पर चांस मिलने के चांसेस है, क्योंकि भाई ठीक है टॉपर को प्लेस दे दिया ये, तो बाकी यूनिवर्सिटी बच्चे तो उनके चाहिए ना, फिर वो लोग कहां, वहां पे तो आपको एडमिशन लेना ही चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपने च्वाइसेस को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन एडमिशन मिलेगा, थोड़ा उम्मीद रखना, थोड़ा उम्मीद रखना। और मैं आपको समय समय पे अपडेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा आपके लिए जो बेस्ट प्रायोरिटीज है, मैं आपको समझाता रहूंगा। और लास्ट में देखो एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन का ये अंत समय है शिक्षा में, समझ में आया, ये शुरुआत है, ये पहला कदम था जिसमें आपको एक लर्निंग मिली है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, इससे बेहतर करना है और फिर मुझे चढ़ाई चढ़नी है और अपना स्वर्णिम भविष्य का इतिहास लिखना है। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, उम्मीद नहीं खोते हैं। मैं आज यहां तक मैंने इतने सारे कंपटीशन ब्रेक किए हैं, अभी तक मेरे बचपन का रिकॉर्ड है, मैं बस गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई करके आया हूं और अभी भी मेरी आगे की प्लानिंग है। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली सब कुछ मिल रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कई बार मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब दिस वाज माय लास्ट चांस, अब यहां से मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, पीछे मुड़ जाना पड़ेगा, ऐसा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
क्योंकि मैं उस पर चलता रहा, मैंने कहा नहीं काम करना है आगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हमेशा यही सोचता हूं, क्योंकि मैं और आप हम सब एक जैसे हैं यार, ठीक है, एकदम एक जैसे हैं बिल्कुल। शिक्षा में मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई के अलग 1% नहीं कुछ सोच, मुझे लगता है मेरा जीवन बस पढ़ाई के लिए बना हुआ है, बस पढ़ाई के लिए, इससे ना आगे ना पीछे मैं नहीं सोचता। मुझे बस लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ज्ञान अर्जन करना है, लोगों को देना है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि यही रीजन है कि मैं आगे बढ़ता रहता हूं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बाकी मुझे मिल जाती हैं। बस आप थोड़ा सा उम्मीद रखना, थोड़ा सा उम्मीद रखना, देखना अच्छा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा, अच्छा तो होना तय है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे सभी दोस्तों से, विनम्र निवेदन है, उम्मीद नहीं खोना है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो एक लर्निंग मिली और हम उस लर्निंग को कुछ अपने अंदर सीखेंगे और अच्छा करेंगे फ्यूचर में। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूं। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने तमाम विद्यार्थियों को, जिससे समझ में आए कि गलत आप नहीं हो, गलती आपके साथ हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग जाएं उस पर रिट्वीट मारें। और हाँ, अपने ट्विटर आईडी से आप भी NTA CUET को टैग करें, उन्हें बोलें कि सर आपने मेरे साथ ठीक नहीं करा। एक बैलेंस करके बोलना, गलत मत बोलना, बैलेंस करके बोलना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेलिंग लिख दूंगा, आप जस्ट उसको फॉलो कर लेना। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरे दोस्तों, स्माइल करते रहना, अच्छा होगा। और मैं टाइम टाइम पे आपको चीजें, बेस्ट ऑप्शन जो है मैं बताता रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा होगा हमारे जीवन में। और हम लोग जरूर, और एक बात ध्यान में, ये आपका ऐसा समय है जबकि लगभग कई सालों में आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, तो आप चूज इन पर्सन हो, आप चूज किए गए हो, ठीक है, आपके साथ हुआ है तो आप आगे अच्छा भी करोगे। और हमेशा ये लोग याद रखेंगे कि हाँ, CUET के बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ था, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुआ था। मैं हूं बताने के लिए, मैं तो आने वाली हर जितनी जनरेशन है, जब तक मैं हूं तब तक मैं शिक्षा विभाग में अगर रहा तो मैं बताऊंगा जरूर कि इन लोगों ने इस बैच के साथ गलत करा। लेकिन आज भी ये बच्चे आज इस एरा में हैं, जब आप UPSC में बैठना 2027, 28, 26 में, तब इतिहास रचना अपना, और वो रचोगे, मेरी गारंटी है रचोगे। लेकिन खुद पे भरोसा रखे रहना, खुद पे भरोसा अगर छोड़ोगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सट्रीमली बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर ये कॉन्सेप्ट अपना रखे, 100% सिक्योरिटी जीत आपकी रखी है। सो प्लीज अपने आप को, अपने घर वालों से थोड़ा बातचीत कर लो यार, वो सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं। तो मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला देखते रहें, और विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, अच्छा ही होगा। और मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट करता रहूंगा। हरे हर महादेव, जैसे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो को, ओके।